लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और लोग पैदल ही अपने घर की ओर प्रस्थान करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन लगातार उन पर नजर जमाए हुए है कि किस तरह से उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको कोई खासा इंतजाम देखने को नहीं मिल पा रहा है। लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया गया है। ज्ञात रहे कि जो कर्फ्यू का हिमाचल का जो अभी चल रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए सुल्तानपुर में भी आज सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली रही, और जिसके दौरान जो गाड़ियों के काफिले बाजार में कंफ्यूज भीड़ के समय देखने को मिलते थे वो आज कम दिखे हैं, और जो किराना और दवाइयां और अन्य जो उपयोगी सब्जियों की दुकानें थी उसमें भी भीड़ कम अंकी गई है, जिसका सीधा कारण यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने राशन को भर लिया है। अब प्रशासन की दिक्कत ये हो रही है कि जो राह चलते लोग हैं वो लगातार दिन रात जो यहाँ सड़कों से इस पुल के माध्यम से आना जाना शुरू कर दिया है, जिससे लेकिन प्रशासन से आग्रह भी किया है कि उन लोगों के माध्यम से कि प्रशासन हमें अपने गंतव्य अपने घर की ओर पहुँचने का सहयोग करे, ताकि हम जो राह चल रहे हैं उनको ना रोटी की व्यवस्था है ना अन्य कोई सामग्री उनको किसी के माध्यम से मुहैया करवाई जा रही है, जिसके लिए प्रशासन और सरकार से जो लोग हैं वो आग्रह करते नजर दिन भर आए हुए हैं। वही आज उपमंडल अधिकारी के द्वारा भी जो है सोनपुर टीहरा में जो गांव हैं उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, और लोगों को यही संदेश दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और लोग घरों से कम निकलें, जितना घरों में रहेंगे उतने ही सुरक्षित नजर आएंगे, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हों, चाहे उपमंडल अधिकारी हों या अन्य विभागों के जो इस कार्य में जुटे हुए हैं, जो चाहे वो हॉस्पिटल में लगे हुए कर्मचारी हैं, लोगों को यही संदेश जो है देते नजर आ रहे हैं। वही लोगों के लिए सब्जी और अन्य उपयोगी वस्तुएं जो हैं वो मुहैया जो सरकार के माध्यम से उनको नहीं रोका जा रहा है, पूरी सब्जी दूध और ब्रेड आदि की गाड़ियां जो हैं लगातार इस पुल के माध्यम से आवाजाही जो है आ रही है, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा उन गाड़ियों को छूट मिल रही है, जिसको लेकर लग रहा है कि लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए जो सरकार और प्रशासन ने मिलकर इन गाड़ियों को छूट दे दी गई है। आने वाले टाइम में हम लगातार सुजानपुर की रिपोर्ट और जिला भर में क्या आ रहा है राजन मेहता द्वारा संवाददाता के द्वारा भविष्य में दी जाएगी। जो आज लोग जो हैं चलते नजर आ रहे हैं उनकी जो विपदा है, अब आपके क्या आदेश जो हैं निकले हुए हैं और क्या संदेश आप इन राह चलते लोग जो अपने घरों के लिए निकल चुके हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे इन लोगों के लिए? आदेश ये है कि जो लोग जहां हैं वो वहीं पर रहें, अपने स्थान से चले ना, क्योंकि उनको बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं और किसी को भी परमिशन नहीं है बॉर्डर क्रॉस करने की। अगर वो किसी बॉर्डर पे पहुंच जाता है तो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है उसके रहने की खाने की, तो उसको वहीं पे रोक लिया जाएगा। उस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आपको ये हिदायत है, आप लोगों को ये मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर है, वो हम भी समझ रहे हैं और आप ज़्यादा अच्छे से उसको जानते हैं, लेकिन वो फेस करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू आप कहीं ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए उसमें प्रबंध में रह रहे हैं। उससे ज्यादा अच्छा है कि जहां हैं आप वहीं पर रहें। राजन मेहता सुल्तानपुर।